भी कभी भी हम अपना खून मार सकते हैं, लेकिन नंदिनी को नहीं छोड़ेंगे। नंदिनी हमारा अस्मिता है। मोदी शाह तो सीधा हो जाओ। कर्नाटक के लोग इतने भी बेवकूफ नहीं, तुम्हारे साजिश न समझ पाए उतने भी बेवकूफ नहीं है। पूरे देश को बर्बाद करने जा रहे हैं दो मारवाड़ी, ये दो गुजराती, पूरे देश को मारवाड़ियों को विदेशी पूंजीपतियों को बेचने जा रहे हैं। गुजरात की जो अमूल प्रोडक्ट है उसमें विलीन करने जा रहे हैं, शेयरी करने जा रहे हैं, उसके आड़े में हमारे नंदिनी को बर्बाद करने जा रहे हैं। एक तरफ कन्नड़ भाषा की हत्या, दूसरे तरफ कन्नड़ पीजेंट की हत्या, तीसरे तरफ कन्नड़ आवाम की हत्या, ऐसा करने देंगे। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. इलेक्शन सामने है और बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की जो पार्टी है, उसमें बेशर्मी से पेश आ रहे हैं कर्नाटक में। दुनिया की कहीं देश में कोई राजकीय पार्टी इतना बेशर्मी से लोगों के साथ कोई पेश आया ऐसा हिस्ट्री में आपको दिखाई नहीं दिया। इसको ये भी डर नहीं है, इलेक्शन है तो कर्नाटक में इलेक्शन है, कर्नाटक वालों को दिल जीतना चाहिए, जीतना भी उसको डर नहीं है, क्योंकि लोगों को हिंदू मुस्लिम हिस्से से बांट दिया गया। उसी दरमियान कर्नाटक के जो नंदिनी मिल्क प्रोडक्ट का, नंदिनी जो दूध का बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी था, वो एक ऐसा सोसाइटी था वो पूरा लाभ में, यानी कि पूरा फायदे में चल रहा था। इसके दरमियान लाखों कार्षिकों को, लाखों कृषि कूली कार्मिकों को राहत मिलता था, थोड़े बहुत पैसे मिलता था। इतना बड़ा पैमाने पर नंदिनी अब पूरे दुनिया में और पूरे भारत में उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका क्वालिटी है, उसके लिए माना जाता था। इसके लिए लोगों के अंदर, लोगों के दिल में एक जगह पैदा रखा था। उस नंदिनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को गुजरातियों ने, गुजरात की जो अमूल प्रोडक्ट है उसमें विलीन करने जा रहे हैं, शेयरिंग करने जा रहे हैं, उसके आड़े में हमारे नंदिनी को बर्बाद करने जा रहे हैं। गुजरात की जो पेजेंट है, गुजरात की जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको अपनी जगह में फायदे लेने दो, अपनी स्टेट में बेचने दो, अपनी यहाँ फायदे लेने दो। जो कर्नाटक की पेजेंट है, कर्नाटक की जो कार्षिक लोग हैं, उसको अपने फायदे लेने दो, लेकिन गुजराती वालों को फायदा, वो भी गुजराती गरीब लोगों को नहीं, गुजराती कार्षिक लोगों को नहीं है, गुजराती लेबर को नहीं है, गुजरात में बसे हुए जो मारवाड़ी है, दुनिया के सबसे बड़ा रईस माना जाता है, उन लोगों को फायदे पहुँचने के लिए हमारे जो नंदिनी है, कर्नाटक के एक गरिमा है, कर्नाटक की अस्मिता है, कर्नाटक की एक अपनापन है, उस नंदिनी को अमूल में विलीन करके अमूल में शेयरिंग करने जा रहे हैं। वो सरासर अन्याय है, सरासर बेइंसाफी है। कर्नाटक के लोगों के ऊपर ये बिल्कुल एक शोषण है, बिल्कुल एक बदमाशी है, एक चालाकी है, लेकिन कर्नाटक के लोग नंदिनी को बेचने नहीं देते। हम नंदिनी को हम नहीं छोड़ते। एक दफा हमारे दही के, हमारे जो दही है कन्नड़ में जो मशरूम बोलते हैं, उसके ऊपर दही बोल के हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों भाई? एक तरफ कन्नड़ भाषा की हत्या, दूसरे तरफ कन्नड़ पीजेंट की हत्या, तीसरे तरफ कन्नड़ आवाम की हत्या, ऐसा करने देंगे? मोदी शाह तो सीधा हो जाओ। कर्नाटक के लोग इतने भी बेवकूफ नहीं, तुम्हारे साजिश न समझ पाए उतने भी बेवकूफ नहीं है। पूरे देश को बर्बाद करने जा रहे हैं दो मारवाड़ी, ये दो गुजराती, पूरे देश को मारवाड़ियों को विदेशी पूंजीपतियों को बेचने जा रही है हमारे।
हमारे लोगों को बर्बाद करने जा रही है, लेकिन हम कतई कभी भी हम अपना खून बहा सकते हैं, लेकिन नंदिनी को नहीं छोड़ेंगे। नंदिनी हमारा अस्मिता है, हमारे कार्तिक लोगों की लाइफ लाइन है, वो लाइफ लाइन है। हजारों लाखों लोग खेड़े गांव में आज जी रहे, तो दूध बेच के दूध की जो पैसे आते हैं उसके ऊपर उनका घर चल रहे हैं, उसके ऊपर बच्चों को स्कूल जा रहे हैं। और नंदिनी पूरे फायदे में है, नुकसान में नहीं है। और नंदिनी सोशल वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे गरीब प्रतिभावंत बच्चों को फीस भर रहे हैं, हॉस्टल निकाल रहे हैं। इतना अच्छे रहते हुए भी किस वजह से आप नंदिनी को अमूल में शहीद करना चाहते हैं, बताइए मोदी जी, बताइए शाह जी, क्यों क्यों जो फायदे में है इंस्टीट्यूशन उसको बर्बाद करने क्यों जा रहे? कन्नड़ा के लोगों के, कर्नाटक के लोगों के ऊपर इतने भी ज्यादती मत करो, लोग माफ नहीं करेंगे। हाँ, आप गुंडागिरी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पैसे डाल के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत है। जिस 10 साल में लोगों को जो आपने लूट दिया ना, लुटेरे हैं, लूटने की पैसा जो बहुत ताकत है ना, पैसा जमा हुआ है ना, उस पैसे से लोगों को खरीदना चाहते हैं, हमारे गरीबी को मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। लेकिन आज कर्नाटक के आवाम इतने भी बेवकूफ नहीं है, इतने भी फालतू नहीं है, जाग चुके हैं। हम नंदिनी को बेचने दे आओ, पहले भी हमारे बैंकों को गुजरात के बैंक में शरीक कर दिया, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को आपने तबाह कर दिया, आपने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरे तबाह कर दिया। लेकिन अब नंदिनी जो फायदे में, इसके ऊपर भी आपका हीन दृष्टि, नीच दृष्टि पड़ गए। अरे कोई भी आपके सिवा, गुजरातियों के सिवा, पूंजीपतियों के सिवा कोई भी अच्छा नहीं जी सकते क्या? अच्छा नहीं जीना है क्या? सब लोग मरना है क्या? नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम दरख्वास्त कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपको, नंदिनी को कतई आप अमूल में मत कीजिए, नंदिनी की अस्मिता को बर्बाद मत कीजिए। जो कर्नाटक की आवाम है, कर्नाटक की काशी के लोग हैं, उसके ऊपर अन्याय मत कीजिए।